एक सन्यासी बनाने वाला भजन सुना देते हैं तुमको, और वो सन्यासी घर में ही रह के कैसे सन्यासी बनना, ऐसा ये किनका भजन है महाराज जी? ये भजन जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी का भजन, दसवें सिख गुरु उनका। वो बड़े अद्भुत उनका चरित्र था, बहुत बड़े कवि, योद्धा, सिद्ध संत, सभी एक में रोल्ड इन वन, और परम वैरागी और लिटरेरी भी, परम देश भक्ति, परम धर्म भक्ति और परम गुरु भक्ति, परम ईश्वर भक्ति, हाँ ऐसा। तो रेमन ऐसो कर सन्यासा, और अगला है बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माही उदासा, मन ही माही उदास, अपने आप में ही उदासीन हो जाओ, घर को ही वन समझो, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भजन जब सन्यास दीक्षा हुई थी, हाँ, सब ब्रह्मचारियों के तब सुना था, तो ये बोले हमको भी सन्यासी बना के भेज दो। हाँ, तो चलो महाराज जी, आप सबको सन्यासी बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। और इसमें जो है बहुत सीधी सरल शब्द हैं, वो आप सबको समझ में आएंगे। मेरे को भी ऐसा आशीर्वाद दें, इन शब्दों के अनुसार मैं भी सन्यासी हो जाऊं। कर सन्यासा रे मन ऐसो, कर सन्यासा बन से सदन सब है कर समझो, बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माही उदासा रे मना ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा, जत की जटा जोग को मज्जन, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ावो, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, नाम भभूत लगावो रे मना ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर अल्प आहार सुलभ से निंद्रा, दया खिमा तन प्रीत, अल्प आहार सुलभ से निंद्रा, दया खिमा तन प्रीत, शील संतोख सदा निर्मोही वो होए वो त्रिगुणा
अतीत रे मना ऐसो कर सनिया ऐसो कर सनिया काम क्रोध हठ लोभ मोह हट काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोहन मन स्यो ल्यावे है मोहन मन स्यो ल्यावे तब ही आत्म तत् को परसे तब ही आत्म तत् को परसे परम पुरुष कह पावे रे मना ऐसो कर सनिया सा ऐसो कर सनिया सा बन से सजन सुबह कर समझो मन ही माई उदासा मना ऐसो कर सनिया तो अब ध्यान करेंगे सब बैठो सीधे तो पहले महाराज जी प्रार्थना करवाएंगे और प्रार्थना के बाद 10 मिनट मौन ध्यान करेंगे सब तो पूज्य महाराज श्री ध्यान कराएंगे अभी प्रार्थना करवाएंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट सब मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे लाइटें कम कर दो भाई ये प्रार्थना आश्रम में हम प्रत्येक ध्यान के पहले बोलते हैं सभी उसके बाद में सब अपने नाम स्मरण करते हैं या ध्यान के जिसकी भी जो गुरु प्रदत्त विधि होती है उस ओंकार और गायत्री का हाँ जो भी आपकी प्रदत्त विधि है जो गुरु महाराज जी से आज्ञा मिली है उस हिसाब से आप ध्यान करें या जाप करेंगे जैसे भी मैं प्रार्थना बोलता हूँ हे परम देव प्रभु आप परम शुद्ध अनंत शक्ति स्वरूप अनंत ज्ञान स्वरूप अनंत आनंद स्वरूप अनंत प्रेम एवं ज्योति स्वरूप हैं हे परम कृपालु देवादिदेव आपको नमस्कार हो बार बार नमस्कार हो हे विश्वमय एवं विश्वातीत एकमेव अद्वितीय परमेश्वर मैं आपकी शरण में हूँ मुझे अपना लो मुझे अपना बना लो मुझे संभाल लो प्रभु मैं आपका हूँ आपका ही हूँ जैसा कैसा हूँ आपकी शरण में हूँ हे सर्वेश्वर मेरा शरीर स्वस्थ हो मेरी इंद्रियां निर्मल हों मेरी भावनाएं पवित्र हों
मेरी बुद्धि सुस्थिर हो। हे प्रभो, मेरा समुच्चय जीवन पवित्र एवं विकसित बनकर आपके भजन स्मरण में, आपके चिंतन में व आपकी सेवा में व्यतीत हो। परम कृपालु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं आपको देख सकूं, सत्य को देख सकूं। हे समर्थ, मेरी निर्बलताओं को दूर कर दो, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपने भौतिक शरीर का त्याग करते समय आपका, केवल आपका ही स्मरण करूं। हे पूर्ण, मेरी अपूर्णताओं को पूर्णता में बदल दो, मुझे अपने में मिलाकर पूर्ण कर लो। सभी सद्गामी हों, सभी सुखी हों, सभी प्रेम से रहें, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। जीवन में छोटे छोटे नियम व्रत लेते हैं तो अपने आप साधन से जीवन बनता है, साध्य में। कितनी देर कम से कम ध्यान करना है? 5 से 10 मिनट शुरू तो करो, खाली आसन प्राणायाम तक ही नहीं रहना है ना। मौन, साइलेंस, ध्यान, जैसे अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा ना कि अपने साथ जीने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन पूज्य महाराज जी संस्मरण सुना रहे थे तो एक कोई सेठ आया, बोले इन साधुओं को कोई काम नहीं, बोले जब देखो तब आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम है। तो उसको जो है महाराज जी ने कहा, भाई तो 1 घंटा बैठ जा भाई, पता लग जाएगा छोटा काम है कि बड़ा। 2 मिनट से ज्यादा आदमी अपने आप को फेस नहीं कर पाता, अपना अपने से, अपनी निजता से, अपने स्वरूप से जुड़ना, अपने अंग संग रहना, भगवान के अंग संग रहना। तो अभ्यास करो, आपको ये व्रत दिए हैं। हर समय बहिर्मुखता ठीक नहीं रहती है, जीवन बहुत विराट है, अनंत है, अनादि है, असीम शक्ति सामर्थ्य। पूज्य महाराज जी ने क्वांटम फिजिक्स के भी सारे सिद्धांत समझा करके कि कितने दयालु कृपालु हैं वो परमात्मा, और अभी भी 99% तो भगवान ही संभाल के रखते हैं। महाराज जी, साइंस में जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, माने लीवर का वर्किंग, किडनी का, हार्ट का, एक एक सेल, जीन्स क्रोमोसोम्स का, ब्रेन का, सारा उठना सोना जागना, सारा जो चक्र है जीवन का, 99% हमारा सिस्टम ऑटोनॉमिक है। ये हाथों का उठाना नीचे लाना, ये बोलना, बोलने के पीछे का भी जो तारतम्य है, बोलने की जो प्राण शक्ति है वो परमात्मा ही देता है, स्वर तंत्र से लेकर के
मस्तिष्क में सोचने से लेकर के और हमारे नाभि प्रदेश से जो प्राण उठता है वहाँ से लेकर के सारा तो भगवान का ही है। जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, निरभय चारों कुट विचरना, निरभय चारों कूट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहन, कैसे जीना योगी को, एक एक कदम सावधानी पूर्वक। महाराज जी ने कहा ना, सच्चिदानंद चित रहना, सजग रहना, जागरूक रहना, आनंद में रहना, प्रसन्नता में रहना, ये भक्ति है ना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार बिहर न हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना हो, पर दुख देख पिघलना, पर हित रमण मरण सब जग हित, पर हित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना हो, अपने सन्मुख धरना, समदृष्टि दीपक ले कर में, समदृष्टि दीपक ले कर में, जनमन ज्योति भरना हो, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना हो। जीव जगत के ताप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया, हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन चरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज बहुत बड़े योगी थे महाराज। हम जब छोटे बच्चे थे गुरुकुल में, तब उनके चरणों में जाया करते थे, उनका भजन है। जीव जगत के ताप निगल कर तरुवत छाया करना, पूज्य महाराज जी कहते थे सुधारक बनने की कोशिश मत करो, साधक बनो, प्याऊ लगा लो, जो प्यास आए उसको पिला दो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुमको उपदेश देना ना पड़े, जीवन बोले। जैसे हमारे महापुरुष सभी कहते हैं, हमारा जीवन ही हमारा संदेश और उपदेश बन जाए। जीव जगत के ताप निगल कर तरुवत छाया करना,
जैसे पेड़ जब पुष्पित पल्लवित होता है, फलता फूलता है, तो सबको अपने आप ही ऑक्सीजन, औषधि, फूल पत्ते सब जो उसका उपयोग में आता है सब आता ही है ऐसा। और जैसे उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, जैसे माँ के स्तनों में दूध उतर आता है बालक को देख करके, ऐसे साधक के हृदय में परहित के लिए प्रेम करुणा वात्सल्य ऐसे उमड़ना चाहिए। और जब ऐसे होगा तो भगवान का जो सहज सुख है, शांति है, आनंद है, उसकी सहज वृष्टि होने लगती है। इसको धर्म मेघ समाधि बोलते हैं। जीव जगत के ताप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में घबन झरना हो, जोगी जोग जुगत से ज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्म ज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय धर उतरना हो, हृदय धर उतरना हो, अभिषेक्त आत्म हविले कर, हो अभिषेक्त आत्म हविले कर, जग जननी के शरण हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट चरना, निर्भय चारों कूट चरना, जोग जुगत से करना हो, करना। तो ये पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बड़े साधक योगी तपस्वी महात्मा, उनकी किताब भी दी है ना गुरु जी ने आपको। तो भगवान की शरण में ऐसा होना चाहिए कि बस अब भगवान को अपने आप को सौंप दिया, फिर अपनी इच्छा क्यों रखना, फिर तो जो भगवान प्रेरणा दे बस वो करना। जो गुरु और भगवान की प्रेरणा उसमें ही जीते हैं तो फिर निरपेक्ष हो जाते हैं। जो पूज्य महाराज जी ने कहा दुख जो है कार्यों से नहीं होता, तनाव वो अपेक्षाओं का घात होता है ना, जब अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती अनावश्यक तौर पर बोझिल से घूमते रहते हैं तो कैसे जीना। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, जितने विकारी पास हैं भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी पास भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास, हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक। मैंने दो मार्ग बताए थे, एक तो भगवान की शरणागति और एक प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना के लिए आदमी अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता है, हर चीज के परिणाम सोच करके, फिर पाप अधर्म अशुभ से बचना। एक है कि जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, जो गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, वेद आज्ञा है, बस बड़ों को देख करके मान के चलना।
तो फिर ऐसा कर लेते हैं तो फिर अपने आप ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि पूज्य महाराज जी गीता का भी उदाहरण देके रेफरेंस के साथ बता रहे थे कि फिर वो दुराचारी भी, वो कितना ही पापी है, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब फिर ये तो अपने आप ही लीन हो जाते हैं। सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस हो चुके। और रोग व्याधियां तन की मिटी अरु त्राण सीमाएं कटे, व्याधियां तन की मिटी अरु त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं हटी, मन की निराशाएं हटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं, अब आत्म निर्मल गंग में निःसीम प्रेम तरंग में, अब आत्म निर्मल गंग में निःसीम प्रेम तरंग में, उस अजयनामय अंग में, उस अजयनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं, हम हो चुके देवपथ के पथिक हैं।